तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा, आज मैं लेने जा रही हूँ पिंक चैलेंज और ये हम 24 आवर्स के लिए लेंगे। देखते हैं ये चैलेंज मैं पूरा कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और इस चैलेंज में मैं जो भी खाऊंगी वो सब पिंक होगा। रूल ये है कि हमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें यूज नहीं करना, नेचुरल कलर से ही खाना बनाना है। तो देखते हैं ये चैलेंज मैं कर पाती हूँ कि नहीं। तो दोस्तों चैलेंज की प्रिपरेशन मैंने पहले से ही कर ली और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 बजे और 8:30 बजे रेगुलरली तो मैं कॉफी या चाय पीती हूँ, पर आज मैं पी नहीं सकती, इसलिए चलिए किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हम पिंक इसमें खा सकते हैं। तो दोस्तों चैलेंज के लिए यहाँ पे मैं ये सब चीजें लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हर्षली का मिल्क शेक लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही साथ मैं इसमें वाइल्ड विटामिन ड्रिंक लेके आई हूँ, तो सुबह मैं ये पीऊंगी, ये मैं बाद में पी लूंगी। और उसी के साथ ये मैं जेली लेके आई हूँ, तो जेली भी मैं सुबह बना दूंगी, ताकि अभी बना दूंगी तो मेरे ख्याल से दोपहर में या शाम तक ये सेट हो जाएगी। और उसी के साथ मैं नेस्ले का ये लेके आई हूँ मल्टीग्रेन, ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि सुबह मुझे कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो अभी मैं ड्रिंक पीऊंगी और ये खाऊंगी। तो दोस्तों ये एकदम पिंक पिंक है, खाने में भी बहुत अच्छा है। इसमें दूध डाल देती हूँ। ये वाइल्ड प्रोटामिन ड्रिंक है, तो ये सुबह लेने के लिए तो बहुत अच्छा है, साथ ही साथ मैं इसको भी पिलाऊंगी। ये भी बहुत अच्छा है, इसका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको अच्छे से खा लेती हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया था, ब्रेकफास्ट मैंने लाइट ही किया था, नॉर्मली मैं इतना लाइट ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, तो अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब मैं किचन की तरफ चलती हूँ और देखती हूँ क्या क्या चीजें मैं लेके आई हूँ। दोस्तों कैमरा रखने की कोई अच्छी जगह मुझे मिली नहीं, तो मैंने इसी तरह रख दिया है। और यहाँ पे देखिए नेचुरल कलर के लिए मैं बीटरूट का इसमें यूज कर रही हूँ, बीटरूट से बहुत अच्छा नेचुरल कलर आ जाएगा। तो अभी मैंने सोचा मैं पास्ता बनाती हूँ, तो पास्ता के लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही रात को बॉईल करके रख लिए थे पास्ता, तो ये पास्ता हमारे एकदम बॉइल्ड है, तो इसको मैं साइड में रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है बीटरूट और 2 मैंने अनियंस लिए, इससे फ्लेवर आ जाएगा। और मैं थोड़ा सा गार्लिक भी लूंगी, तो इन सबको पहले मैं चॉप कर देती हूँ। अनियंस को यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया और यहाँ पे मैंने जो बीटरूट है इसे मैं कद्दूकस कर दूंगी। वैसे तो मैंने बहुत तरह के पास्ता बनाए हैं, पर मैं इस पास्ता को लेके श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और जो मैंने पास्ता बनाया उनको मैंने ट्राई किया है तो बहुत टेस्टी बनते हैं, इसका मुझे पता नहीं है। तो इसको एक बार पहले मैं बनाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि ये कैसा बना। वैसे तो आप चाहे तो बीटरूट को कट करके भी डाल सकते हैं, पर अगर हम इसको ग्रेट करके डालेंगे तो इसका ज़्यादा स्वाद भी आएगा, साथ ही साथ इसका बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा। ये कुछ गार्लिक ले लेते हैं, गार्लिक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब भी हम पास्ता बनाते हैं तो गार्लिक डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, गार्लिक का एक अलग ही टेस्ट होता है पास्ता में। मैं किसी भी तरह का इसमें सॉस यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे सॉस यूज़ करने से मुझे नहीं लगता इसका कलर बिल्कुल पिंक आ पाएगा। तो यहाँ पे जो भी मैं यूज़ करूँगी वो सब वेजिटेबल्स होंगी और कुछ 2-3 मसाले होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पैन में थोड़ा तेल डाल दिया मैंने,
अब इसमें मैं डाल दूंगी गार्लिक और यहाँ पे मैंने प्याज को चॉप किया था, दोनों डाल दूंगी और इसको अच्छे से पहले सॉटे कर लूंगी। इसी के साथ बीटरूट डाल देती हूँ। अब ये जो प्याज और चुकंदर थे ये थोड़े गल चुके हैं, तो मैंने इसमें कुछ मसाला डाला जिसमें नमक था, लाल मिर्च था, थोड़ा मैगी मसाला डाला और काली मिर्च पाउडर डाला है। अब इसको स्टर फ्राई कर दिया मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा ये पास्ता, इसको मैंने पहले से ही बॉईल किया था। अब ये देखो पास्ता की क्या हालत हो चुकी है, बैठे बैठे ये पास्ता बिल्कुल उसी शेप का बन चुका है। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और इसको अच्छे से स्टर कर लेती हूँ। टन टना, यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा पिंक पास्ता एकदम तैयार है। ये मैं मिक्स भी लेके आई थी, जेली वाला मिक्स, ये मैं अभी बना लेती हूँ क्योंकि मैं अभी बनाऊंगी तो ही जाके रात तक सेट हो पाएगा। वैसे ये मैंने पहले भी बनाया है। तो ओपन करने के बाद इसके अंदर दो सैशे हैं, ये शायद जेली है, जेली का है और ये पाउडर है, तो दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। तो इसमें ये देखिए छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी डाल देते हैं, इसी में मिक्स करना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और देखिए मिक्स करने के बाद ना इसमें कुछ इस तरह के लम्स दिखते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, गर्म पानी में डालेंगे तो सब डिजोल्व हो जाएंगे। तो अब मैं इसको गर्म पानी में डाल लेती हूँ और इसकी एक लिक्विड वाटर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद इसको सेट करते हैं। तो इसमें मैंने 3 ग्लास पानी ले लिया है, जो चाय का ग्लास होता है उतना हमको पानी लेना है। और अब मैं इसमें हमारा मिक्सचर डाल देती हूँ, इसको एक बॉयल आने देते हैं। जब इसमें एक नॉर्मल बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी और अब मैं इसको एक मोल्ट में डाल देती हूँ इस तरह का। अगर आपके पास वो छोटे छोटे क्यूट क्यूट मोल्ट हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें डाला है। इसका कलर एकदम पिंक आया है तो सबसे पहले मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और करीबन 4 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये जेली में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो चलो फ्रिज में रख देते हैं। ये मेरा छोटू सा फ्रिज है, फ्रिज मतलब कहने का मतलब फ्रिजर में रख देते हैं। पास्ता बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैगी का टेस्ट आ रहा है इसमें एकदम, और बीटरूट से बहुत ज्यादा हेल्दी भी हो गया। बहुत तीखा लग रहा है तो मैं ये भी लेके आई थी, ये है फ्रूटेला। कलर तो इसका बाहर से पिंक था, पूछा मैंने तो उन्होंने कहा अंदर से भी पिंक होगा, एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर पिंक नहीं हुआ तो नहीं खाएंगे। मुझे भी तो दे, अंदर से भी पिंक है ये, चाहिए मैं बिल्कुल। मुझे भी दे रहा है, दूर है पहले। तो दोस्तों अब बज रहे हैं 5 बज रहे हैं और है ना अभी आफ्टरनून में हमने खाया था पास्ता और पास्ता के साथ मैंने जूस पिया था और साथ ही साथ टॉफी खाई थी, तो तब मेरा पेट बहुत भर गया था। और इस टाइम वैसे तो चाय पीते पर क्योंकि मैं पिंक चैलेंज कर रही हूँ तो मैं चाय नहीं पी सकती हूँ, तो मैं ये स्विस रोल लेके आई थी और देखते हैं, पहले चेक करते हैं अंदर से पिंक है कि नहीं है। Oh, no.
दोस्तों ये स्विस बोर्ड मुझे लगा कि अंदर से पिंक होगा पर ये बिल्कुल भी पिंक नहीं है, ये बाहर से ब्राउन कलर का और इसके जो अंदर है ना वो इन्होंने पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी, मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी का जो पल्प होता है वो अंदर लगाया है, तो ये बाहर से ब्राउन है तो मैं ये नहीं खा सकती, तो ये फेल हो गया, तो ये मैं नहीं खाऊंगी। तो कोई बात नहीं, भूखे रहते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं ये भी लेके आई थी हर्षली और दिमाग देखो कितना है कि ये लेके आई हूँ पर इसके साथ स्ट्रॉ नहीं लेके आई, तो अब सोच रही हूँ कैसे खाऊं, चाट चाट के तो खा नहीं सकती, तो नाखून है मेरे बहुत अच्छे खासे, इससे ओपन करती हूँ और पहले चेक करेंगे कि पिंक है कि नहीं, क्योंकि अंदर क्या है वो हम नहीं देख पता कर पाते हैं ज्यादातर। देखो चेक करके देख लेती हूँ इस ग्लास में डाल के, तो देखिए इसका कलर एकदम पिंक है, तो ये मैं पी सकती हूँ। अब मैं कैसे पीती हूँ, पांच घंटे के बाद जेली को निकाल लेते हैं। जेली बन चुकी है, अब इसको डीमोल्ट करते पहले। तो ये पूरा तो मैं नहीं खा पाऊंगी, थोड़ा सा जितना खा पाती हूँ उतना खा लेती हूँ, नहीं तो कल खा लूंगी। ये देखो टू गुड, दोस्तों अब बज रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं, अब मुझे लग रही है भूख। तो अब मैंने सोचा, वैसे तो मैंने 2-3 चीजें सोची हुई थी, मैंने सोचा था या तो मैं बीटरूट के राइस बनाती हूँ या मैं बीटरूट का पराठा बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि ना मैं पराठा मेरे को ज्यादा अच्छा लगा बनाने के लिए, तो अब मैं बीटरूट का पराठा बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 2 चीजें ले ली है, इसमें मैंने लिया है 1 कप के करीब गेहूँ का आटा और 1 कप यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। अब देखते हैं कैसा बनता है ये, और ये पिंक होगा तभी मैं खाऊंगी, अगर पिंक नहीं होगा तो स्ट्रॉबेरी शेक पी के सो जाऊंगी बस। अब कैमरा मैंने थोड़ा नीचे रख दिया, आई होप आप मुझे देख सको। अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट बीटरूट है, तो इसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये भी हो गया, थोड़े इसमें कुछ मसाले डाल देती हूँ, ये बारीक कटा धनिया, अजवाइन, मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा एकदम पिंक गूंदा है, तो इसका मतलब ये जो इसका पराठा बनेगा वो भी बिल्कुल पिंक होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो अब हम बनाते हैं इसके पराठे। इसको फटाफट से बना लेते हैं।
तो दोस्तों ये मैंने बीटरूट का पराठा बना लिया है। मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लग गई थी क्योंकि रात के 9:30 बज गए हैं, 9 बजे बनाना शुरू किया था, बनाते बनाते टाइम लग गया। और पराठे के साथ यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ, दही में मैंने बीटरूट को ग्रेट करके डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है और कलर एकदम पिंक आ गया है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके कैसा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ये पराठा हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मतलब ऐसा है कि पिंक डे इसलिए नहीं, आप कभी भी इसको बना सकते हो अपने घर में। आज का मेरा ये चैलेंज कंप्लीट हुआ। आज पूरा दिन हमने पिंग 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 खाया और आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसकी जगह मैं और क्या क्या चीजें और डाल सकती थी और क्या क्या चीजें मैं इसमें कम कर सकती थी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, बाय।